छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजीव युवा मितान क्लब को बंद कर दिया है। सरकार का आरोप है राजीव युवा मितान क्लब के बहाने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उपकृत किया जा रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार की एक और योजना बंद कर दी। राजीव युवा मितान क्लब योजना को बंद बक्से में डाल दिया गया है। खेलकूद और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा अपने लोगों को लाभ देने के लिए योजना बनाई गई थी, इसका फायदा युवाओं को नहीं मिल रहा था। राजीव मितान योजना तो इनका अपने एजेंटों को फायदा पहुंचाने का था, कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने का था। इसमें कहीं कोई काम नहीं हुआ है, केवल पैसे का बंदरबांट हुआ है। तो इस योजना को हम लोग बंद कर रहे हैं और असली काम आप करेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे ग्रामीण प्रतिभा है उसको उभारने का काम करेंगे। इधर योजना को बंद करने के फैसले पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि जो सरकार आती है अपनी योजना चलाने का काम करती है। योजना से सीधा लाभ युवाओं को होता था, योजना को बंद करना ठीक नहीं है। देखिए, जो सरकार आती है अपनी योजनाएं चलाने का काम करती है, लेकिन जो योजनाएं अच्छी है युवाओं के लिए जो योजनाएं बनाई गई है उन योजनाओं पे बहुत सारे, जैसे हमारी सरकार ने गोधन न्याय योजना चालू किया था जिसे गांव के महिला स्व समाज समूह की बहनों को गोबर खरीदी होती थी उससे उनके सशक्तिकरण का काम होता, आज उसको भी उन लोगों ने बंद कर दिया है। बहुत सारी योजनाएं जो जिससे सीधा लाभ आम लोगों को होता था और आर्थिक रूप से लोग मजबूत होते हैं, उन सब कार्यक्रमों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि बंद कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है, सियासत का अंदाज बदला है और साय सरकार कांग्रेस की योजनाओं में करप्शन के आरोप लगाकर बंद कर रही है। वहीं कांग्रेस इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर है। न्यूज 18 के लिए रायपुर से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।